Hello students, welcome to Kaka series of Enlightened IAS Academy. As you know that we are discussing important daily current affairs of Chhattisgarh in the form of question answer. In this sequence, this is Kaka 005. So let's start. Our first question is, in which of the following place Chief Minister inaugurated the Mud House? Kaun si jagah pe चीफ मिनिस्टर ने मड हाउस का इनॉग्रेशन किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कुनकुरी, ऑप्शन बी फरसा बहार, ऑप्शन सी मयाली, ऑप्शन डी सन्ना. तो हमारा आंसर हो जाएगा मयाली, ऑप्शन सी. आइए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं. मयाली इज़ अ विलेज विच फॉल्स अंडर कुनकुरी डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ जसपुर डिस्ट्रिक्ट. मयाली एक गांव है जो कुनकुरी डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर आता है जसपुर डिस्ट्रिक्ट में. अगर ऑप्शन में मयाली नहीं रहता और सिर्फ कुनकुरी रहता तो हमारा आंसर हो जाता कुनकुरी, लेकिन यहां पे क्लियरली मेंशन है मयाली, तो हमारा आंसर मयाली होगा ऐसे सिचुएशन में. इसे ध्यान रखिएगा. Further, here Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel inaugurated mud house which is made up of soil. नाम से ही क्लियर है मड हाउस है तो सॉइल से ही बना होगा. On 13 February 2023. इसे याद रखिएगा. अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है, consider the following statements. Our first statement is, कोदो इज बीइंग परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹31 पर केजी. स्टेटमेंट टू, कुटकी इज बीइंग परचेज्ड एट ₹30 पर केजी. स्टेटमेंट थ्री, रागी इज बीइंग परचेज्ड एट ₹35.78 पर केजी. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी थ्री ओनली, ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री ओनली. ये ऑप्शन थ्री है. तो यहाँ पे बोला गया है कि कोदो जो है वो ₹31 पर केजी मिलता है, मतलब खरीदा जा रहा है. कुटकी जो है ₹30 प्रति किलो खरीदा जा रहा है. रागी जो है ₹35.78 खरीदा जा रहा है. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ओनली थ्री, क्योंकि जो कोदो है वो ₹30 में ख़रीदा जा रहा है और जो कुटकी है वो ₹31 में ख़रीदा जा रहा है. तो इसे ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो प्राइस है वो इंटरचेंज हो गया है. ऐसे ही अब CGPSC प्री के क्वेश्चंस बनने लगे हैं जो एक एक वर्ड से खेला जा रहा है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है. इसके डिटेल्स में आते हैं हम. सो आवर डिटेल्स आर, According to State Minor Forest Produce Association, कोदो is being purchased at the rate of ₹30 per kg. कुटकी is purchased at a rate of ₹31 and ragi is purchased at a rate of ₹35.78 per kg. तो ये जो कोदो, कुटकी और रागी है, इसे स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एसोसिएशन के तहत ख़रीदा जा रहा है, जिसमें कोदो का जो रेट है वो ₹30 पर किलोग्राम है, कुटकी का ₹31 है और रागी का ₹75.78 है. इसे ध्यान रखिएगा. हमारा अगला डिटेल है, सो फार 22,855 क्विंटल्स ऑफ कोदो, 1182 क्विंटल्स ऑफ कुटकी एंड 2772 क्विंटल्स ऑफ रागी हैव बीन परचेज्ड. अभी तक के इतने कोदो, इतने कुटकी और इतने रागी खरीदे जा चुके हैं. सो आवर नेक्स्ट डिटेल इज, इट इज़ नोटवर्दी दैट कोदो, कुटकी एंड रागी आर बीइंग प्रोक्योर्ड बाय ऑल द प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन इन द एंटायर स्टेट. जो ये कोदो, कुटकी और रागी और अदर मिलेट्स हैं, उन्हें स्टेट फॉरेस्ट
स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के द्वारा फॉरेस्ट प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा ख़रीदा जा रहा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा कि जो ये कोदो, कुटकी और रागी है उसे स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन के प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा ख़रीदा जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में, जिसमें कोदो का रेट है 30 रुपये पर किलोग्राम, कुटकी का रेट है 31 रुपीज़ पर किलोग्राम और रागी का रेट है 35.78 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो इसे याद रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल अनवेल्ड द स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव। हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल ने डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव की स्टैच्यू कहाँ पे अनवेल किया है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए मनेंद्रगढ़, ऑप्शन बी चिरमिरी, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी कोरिया। ये भरतपुर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरिया। कोरिया में इनकी स्टैच्यू को अनवील किया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। आइए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। आवर फर्स्ट डिटेल इज़ चीफ मिनिस्टर मिस्टर भूपेश बघेल टुडे मीन्स थर्टीन फैब, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ स्टेट्स फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर लेट डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव, पॉपुलरली नोन एज कोरिया कुमार, इसे याद रखिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे स्टेट के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव, जिन्हें पॉपुलरली बोला जाता है कोरिया कुमार, क्योंकि वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। एट घड़ी चौक ऑफ बैकुंठपुर द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कोरिया। अवर नेक्स्ट डिटेल इज चीफ मिनिस्टर शेयर्ड पॉलिटिकल एंड पर्सनल मेमोरीज ऑन द ओकेशन ऑफ डॉक्टर सिंह देव्स बर्थ एनिवर्सरी एंड पेड हिम फ्लोरल ट्रिब्यूट। इस दिन को चीफ मिनिस्टर ने अपनी पॉलिटिकल और पर्सनल मेमोरीज जो उन्होंने सिंह देव जी के साथ बिताए थे उन्हें शेयर करके उन्हें ट्रिब्यूट पे किया। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारे स्टेट के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम है डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव, जो कि थे कोरिया जिला से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बिकम अ पार्ट ऑफ न्यू ब्लू रेवोल्यूशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफ्लॉक सिस्टम। वो कौन सा ज़िला है जो न्यू ब्लू रेवोल्यूशन का सेंटर बना है, जहाँ पे बायोफ्लॉक सिस्टम अब इंट्रोड्यूस किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए पथरिया, बी पाटन, सी जामुल, डी लोहरा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पथरिया डोमा। आइए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं, जो है इन अ बिड टू प्रमोट फिश फार्मिंग इन द डिस्ट्रिक्ट द दुर्ग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन has adopted advanced biofloc fish farming technology in Gram Panchayat Patharia of Dhamdha Development Block। जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है ताकि फिश फार्मिंग को प्रमोट कर सकें और बढ़ा सकें। कहाँ किया है? पथरिया ग्राम पंचायत में किया है, जो धमधा डेवलपमेंट ब्लॉक के अंतर्गत आता है। सो अवर नेक्स्ट डिटेल इज इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय 10 मेंबर्स ऑफ पथरिया महिला ग्राम संगठन विथ 15,000 फिश सीड्स बिलोंगिंग टू तेलापिया स्पीसीज। ये जो
प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है पथरिया महिला ग्राम संगठन के 10 मेंबर्स के द्वारा, जिन्होंने अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पे 15,000 फिश सीड्स को अभी डाला गया है उस टैंक में जो है तेलपिय स्पीसीज से। अवर नेक्स्ट डिटेल इज़ फॉर फिश फार्मिंग इन गौठान ऑफ पथरिया डोमा एज मैनी एज 7 टैंक्स हैव बीन बिल्ट एज बायोफ्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख एंड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 50,000 हैज़ बीन स्पेंट ऑन फिश फीड एंड अदर इक्विपमेंट्स। ये जो फिश फार्मिंग स्टार्ट किया गया है पथरिया गौठान में, उसके लिए अभी 7 टैंक्स को बिल्ड किया गया है जो बायोफ्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा, जिसका कॉस्ट आया है 7.5 लाख और उसको मेंटेन रखने के लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज़ भी खर्च किया गया है फिश फीड के लिए, मछली को खाना देने के लिए और अदर इक्विपमेंट्स के लिए अलग से 50,000 और इसमें स्पेंड किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इज़ अ फिश फार्मिंग सिस्टम दैट रिसाइकल्स वेस्ट न्यूट्रिएंट्स एज फिश फूड। तो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक फिश फार्मिंग सिस्टम है जो वेस्ट न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके मछलियों के लिए खाना उपलब्ध कराता है। तो इसे याद रखिएगा कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एक फ़िश फार्मिंग सिस्टम है जहाँ पे वेस्ट न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके फ़िश फूड उपलब्ध कराया जाता है। इसमें लास्ट डिटेल है कि बायोफ्लॉक स्पेशली कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाटर टू फॉर्म माइक्रोबियल प्रोटीन फ्रॉम टॉक्सिक फिश वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर। दिस हेल्प मेंटेन वाटर क्वालिटी एज वेल एज लोअरिंग कॉस्ट। अगर हम बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो हमारा जो वाटर का क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहता है और इससे मछलियों के लिए खाना भी बन जाता है मछलियों के वेस्ट से या अदर ऑर्गेनिक मैटर से, जिससे क्या होता है कि ये जो फिश फार्मिंग करते हैं उसका जो एक्चुअल बजट होता है उसको हम लोअर कर सकते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। अब आगे हम बढ़ते हैं आज के क्विज में। तो हमने आपके लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें अब हम रोज़ आपको एक क्विज़ दिया करेंगे जिसका आंसर आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज का हमारा क्विज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ नाउ बिकेम कंजेनिटल कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस फ्री। तो छत्तीसगढ़ का वो कौन सा ज़िला है जो कंजेनिटल कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस फ्री घोषित किया गया है, किस जिले को? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी दुर्ग। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड।